वहीं हिमाचल के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में शुक्रवार को भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी हुई है। मौसम विज्ञान विभाग शिमला ने अलर्ट जारी कर शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा व अन्य जिलों के अधिकांश क्षेत्रों में 6 और 7 जनवरी को मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जताया है। 8 जनवरी को भी बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। 9 जनवरी के बाद मौसम साफ रहेगा और धूप खिलेगी। वीरवार रात को केलांग में न्यूनतम तापमान -3.1, कल्पा में -3.8, शिमला में 4.2, धर्मशाला में 9.2, सोलन में 4.0, चंबा में 5.0, मनाली में 3.0, बिलासपुर में 4.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। राजधानी शिमला में दिन भर बादल छाए रहे, कुछ समय के लिए धूप खिली लेकिन ठंडी हवाएं चलती रही। शिमला में अधिकतम तापमान 14.1, धर्मशाला में 15.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जिला कुल्लू और लाहौल की पहाड़ियों में हुई बर्फबारी से कड़ाके की ठंड एकाएक बढ़ गई है। वीरवार सुबह कुल्लू मनाली की चोटियों पर बर्फ के फाहे गिरने से पहाड़ियां चांदी की तरह सफेद हो गई। ताजा बर्फबारी के फाहों से घाटी के सैर सपाटे को पहुंचे पर्यटक गदगद हो उठे और आने वाले दिनों में मनाली व इसके आसपास के पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी होने की उम्मीद बन गई है। मनाली की चोटियों में हल्की बर्फबारी हुई है। उधर घाटी के किसान बागवान अभी तक हुई बारिश व बर्फबारी से संतुष्ट नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।